कि कैसे हो आप सब भाइयों के, आप सब बच्चों, मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। देखा सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता बना दिया है। देखिए नाश्ते में बनाए मैंने पराठे, देखिए समोसे वाले पराठे आए। देखिए अचार है, चाय है, आप भी कर लीजिए नाश्ता। तो फिर खाने में बनाने हैं हम ग्यारहवीं बाकी है यहाँ पर। पहले नाश्ता कर लेती हूँ, अभी काटती है। देखिए ये मुझे इसे धोनी है, धोकर सब्जी छौंकनी है मुझे। देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी है। जल्दी खाने में जो थोड़ी सी सफाई देगी, ऐसे पहले रखा है। ठीक कर लिया मुझे बर्तन साफ। देखिए यहाँ पर बर्तन रखते हैं। धो रहे हैं हमारे, पानी डलाया अभी इसमें। अच्छी निकाल रहा है। बस लो, तो एक मंडल ले जाना है। मैं देखिए सरिया का टीरी गोल्ड, एक की कमी पड़ गई जी, ये लेने आए हैं मेहर पापा जी। अभी जो ऑफिस आए हैं तो आया और चार सिमटे कट्टे जाने हैं, चार सिमटे कट्टा रख गए थे। टीरी का है भाई, पहला ना लोकल दे दिया सर, हम एक मंडल लोकल दे दिया बिल्कुल। सर ये काटना शुरू कर दिया देखो दोनों भाइयों ने। सर ये कटिंग हो चुका है, एक में टूट रखा है क्या? हाँ इधर देखिए, इधर क्या बने रोल मिस्त्री जी, क्या आयो रिंग रिंग तो गोल हो गया है, कैसे हो जा सर ये कह रही है। देखिए बना दिए हैं, उन्हें पैक कर दिया ऊपर के लिए। ये बीमा कब आओगे मिस्त्री जी? तो भाई ऊपर चला जाना चाहिए, छोटे बड़े कुछ नहीं। बड़ा 30 किलो का जाना, थोड़ा सा लगाया हूँ, बहुत हो गया। तो फालतू हो गए, ठीक है फालतू ही ठीक है, कम नहीं रहने चाहते फालतू। करता और बाहर भी सरिया कट रहा है, अभी एक मंडल लाओ सरिया का पूरा और चार सीमेंट कट्टे जो जा चुके हैं अंदर। देखिए मिस्त्री जी लग चुके हैं अपना ढूला बांधने के लिए, ये वाला जिन्ने वाला ढूला बांध दिया है इन्होंने, और दूसरे मिस्त्री जी अपना लोहे का काम यानी कि सरिया बांध देंगे। देखिए पुराने वाला सरिया जो है यहाँ पर डाल दिया है दीवारों के बराबर में, दीवार के ऊपर ही, और ये बीम अब बीम लगा रहे हैं बना रहे हैं। बीम के लिए सरिया काट रखा है, चार सूत का और पांच सूत का। कितने बीम डालेंगे मिस्त्री जी ने? कितने बीम डालेंगे इसमें? बीम कितने डालेंगे इसमें? चार आठ है, आठ बीम। पिछले वाले में 14-15 बीम थे, निचले में 11 कहाँ 13 बीम थे जी। चलो जितने भी थे बीम बनाने शुरू कर दिया मिस्त्री जी ने। देखे ये छज्जे वाला बीम हो गया और थोड़ा दीवार पे हो गया, एक बीम बीच में, दो बीम बीच में, तीन बीम आओगे बीच में जी। चलो
इसे कुछ नहीं पता। दिन बधाई चल रही जी। यहाँ पर एक बीम हो गया, एक बीम ये हो गया और एक बीम ये हो गया, तीन बीम हो गए, तो पांच बीम और बनने हैं। बीम बनेगा एक पूरे, तीन बीम और बनेंगे और एक बोला चौथा मासी। हेलो दोस्तों, देखिए मैं हूँ पापा जी के दफ्तर में और पापा जी को मुझे जाना है दावत में। दावत है यहीं पर जो है, जिनके मकान में ऑफिस है किराए पर, उसके लड़के की शादी है, तो वहाँ पर हमें जाना है मेरे पापा जी को और हमारी बिरादरी से भी आएंगे, तो वहाँ पर दावत में जाना है। पूरा स्टाफ जाएगा पापा जी का और मैं भी आऊँगा, और फिर हमारे डोले का सामान भी लाना है, वो घर का लेंटर का सामान भी देखना है जो जो लाना है। और देखिए हम आ चुके थे कुलदीप भाई के यहाँ पर, जिनकी शादी है आज, तो देखिए इनको भी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दावत खाने के बाद हम घर आ गए थे। यहाँ पर देखिए जो है रोटी ला रहे हैं मजदूर को ठेका देता रोटी का, और डस्ट हम अपने आप लाएंगे। बस शाम का समय हो चला है जी, और मैं राशन पानी लेने के लिए आऊँ, यानी घर का सामान राशन, क्योंकि घर का राशन भी ख़त्म हो रहा था और कल फिर डोला भी डलेगा, तो वहाँ मिस्त्री को खाना भी बनेगा और मजदूरों का भी, तो घर का भी इकट्ठा लेके चलता हूँ, क्योंकि घर का सामान जो है मैं इसीलिए लेने लाया था कि एक साथ ही सारा सामान आ जाएगा। और देखिए मैं यार पंकज भाई जो है फिटिंग का सामान लाया घर के लिए, और अभी पंकज भाई यहाँ की जो है लाइट की व्यवस्था कर रहा, आज सुबह से यहाँ फिटिंग में लग रहे हैं, यहाँ की फिटिंग हो रही ऊपर की, और पूजा खाना बना रही इधर अंधेरे में ही है भाई पंकज। हमें चक्कर में लेट हो गया, हम घर का राशन लाए ना कुछ, और फिर फिटिंग का सामान भी लाया है घर के लिए, तो उसमें लेट हो गया। ये हो गई रोशनी, देखे जी अंकित भगवान आरटीओ स्टूडियो, चार पांच जने लग रहे हैं यहाँ से सामान माल भरने के लिए। अब की बार फावड़े चल रहा काम, पहले तो हम उस भर रहे थे कैसे वो जैक से तो भर रहे थे उसते, लेकिन अब की बार नहीं पर कौन है चेमो नु है कितना आ रहा है, मैं तुलवाया हूँ क्या तुलवाया अंदर या अभी तो होता है ट्रोली भर के जा चुकी है मूंग की जगह ऊपर चढ़ा रहे थे। ये तीसरी ट्रॉली आ चुकी है आज, तीसरा फेरा भर रहे हैं हम भी फिलहाल, और दो फेरे जा चुके हैं, तीन फेरे में जो है दो मैंने भरवाया है, एक मैंने भरवाया, क्योंकि उस टाइम पर जो मैं है गुडाउन चला गया था सामान लेने के लिए, घर का सामान राशन पानी और बिजली फिटिंग का सामान लेने के लिए। तो अंकित है, गगन है, अब की बार मैं हूँ और मूंग चाचा जी है, उससे पहले दो जने और थे लेकिन वो घर जा चुके हैं अपने। तसले भर रहे हैं आगे के लिए, आगे अंगे डाल लेते हैं क्योंकि हम पीछे से जो है फावले से फेंक रहे हैं, ये देखिए फावले से फेंक रहे हैं क्योंकि बुग्गी हमारी भर चुकी है, और अंकित आगे जाकर गिर जाता है तसलों से और हम पीछे से भर देते हैं, तो उससे लेवल सा बन जाता है, तो वही कार्य कर रहे हैं हम। देखिए अंकित जो है तसलों से गिर रहा है और हम फावलों से फेंक रहे हैं। ये देखिए जी ट्रैक्टर हमारा जा चुका है डस्ट का तीसरा, और ये बच गया हमारा डस्ट,
थोड़ा घना बचा बस, और रेत वाला ट्रैक्टर बढ़ जा रहा उधर, उसमें धक्का लगाना और रेते में दस का फिर में जा रहा है। घर देखिए हम डस्ट ले आए हैं और डस्ट उतार रहे हैं अभी फिलहाल, थोड़ा तो उतार रहे हैं मुकाबलों से, फिर उसके बाद ये उठा जाएगा ऊपर को जिससे जल्दी उतर जाए, लेकिन ज़्यादा फैला भी नहीं सकते इसलिए एक जगह उतार रहे हैं सारा। पहले हमने जो रोड़ी उतरवाई है उसके बाद डस्ट, रोड़ी के तो हमने जो है ठेका लगाया था पीछे करो हल्का सा और डस्ट हम अपने आप लाए हैं। चलो ज्यादा ना करियो, रोक ले तो लग रहा उसकी में रत्ते में, अरे लग रहा साइड में रत्ते हैं, हम ले गए थे वो घर वाले भी। चलो 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 टूटने के लिए लिकट जाएगी चादर, चलो आगे चलो तब बस पसीनों में बिल्कुल नहा लिए हैं देख सकते हैं आप, और अंकित गगन घर जा चुके हैं, पापा जा रहे हैं, मेरा बनियान ले रहे हैं उधर से ठग लाए, 10:30 बज चुके हैं जी और वीडियो अपलोड नहीं हुई अब तक, वीडियो भी नहीं डली अब तक, तो वीडियो में आज फिर 11 बज जाएंगे, एडिट मैंने कर रखी है लेकिन घर जाके अपलोड हो गया, चलते हैं। देखिए जी घर आ चुके हैं, उधर ढोलक बज गई देख सकते हैं, आवाज़ आ रही, गीत गाए जा रहे हैं आज उधर छुट्टा लाइए, पसीने सारे वो आ रहे, अंकित ना लिया है, पापा जी खाने खाएंगे भी सारे के सारे मिलकर, आरुष सोया नहीं अब तक, और आरुष देखिए अभी तक सोया नहीं, नहाते हैं पसीने सुखाकर।